दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं इनके न्यूमेरिकल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूले के साथ। फार्मूला पहले हम पढ़ेंगे, आइए चलिए। पहला फार्मूला आपके स्क्रीन पर दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए कालांतर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कालांतर का फार्मूला डेल्टा फाई होता है कालांतर 2πn। पथांतर का पथांतर होता है डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा। यहाँ एन क्या है? संख्या, दीप्त अदीप्तों की संख्या। ये क्या तरंग दैर्ध्य क्या है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम उसके लिए अब अदीप्त के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए दोस्तों? अदीप्त के लिए। दीप्त हो गया, दूसरा मेरा फार्मूला है अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक दोस्तों, आइए कालांतर का फार्मूला बताते हैं। कालांतर क्या होता है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू दोस्तों इसका फार्मूला है 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये फार्मूला है कालांतर का। पथांतर का फार्मूला क्या है दोस्तों? जो दीप्त का फार्मूला है पथांतर का वही इसका भी लिख लो एन लैम्डा, बस माइनस का 1/2 कर देना दोस्तों, माइनस का 1/2 कर देना, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आयाम, आयाम का फार्मूला हम आपको बता दें। रूट के अंदर आयाम को बेटा आर से लिखते हैं, आर बराबर रूट के अंदर a1 square a2 square 2 a1 a2 cos phi, ये याद कर लेना। ऐसे मैक्सिमम आयाम कहेगा क्या दोस्तों? आर मैक्स मैक्सिमम आयाम। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम के लिए थीटा cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मानेंगे, cos phi की वैल्यू मैक्सिमम मानेंगे, प्लस वन मान रख देंगे यहाँ पर। आर की जगह आर मैक्स बटे रूट के अंदर a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos का मान वन, वन का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बन जाएगा फार्मूला, किसका फार्मूला बनेगा दोस्तों? a1 square a2 square plus 2 a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा। देखिए a + b का होल स्क्वायर, आपको बता स्क्वायर हटेगा तो रूट से ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट से बाहर आ जाएगा a + b का, ये आ जाएगा आर मैक्स हो जाएगा, किसका फार्मूला बन जाएगा? आर मैक्स। इसी प्रकार आर मीन का फार्मूला क्या होगा? मिनिमम, जब मिनिमम आयाम हो तो ये a1 - a2 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? नोट कर लो, ऐसे तीव्रता में अगर पूछ रहा है, किसमें? तीव्रता में, तो क्या होगा? आई मैक्स a1 + a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तीव्रता में मिनिमम पूछेगा, a1 - a2 का होल स्क्वायर, अनुपात पूछेगा, भाग दे देंगे दोनों का। फार्मूला नोट कर लो। फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला भी याद कर लीजिए दोस्तों। फ्रिंज चौड़ाई W बराबर क्या होता है? नोट कर लो, डी लेमडा बटे स्मॉल डी। फ्रिंजों की संख्या आ जाए तो एन से गुणा कर देंगे, एन डी लेमडा बटे स्मॉल डी आएगा, तो मुश्किल नहीं आएगा, नोट कर लो इतना पहले। हमला डी क्या है बेटा? यहाँ पर एक बात और बता दें, डी है स्रोत, स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी, और पर्दा के बीच दूरी, बीच दूरी। और डी क्या है? स्रोतों के बीच की दूरी, स्रोतों के बीच दूरी। ठीक दोस्तों, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। नोट कर लो दोस्तों,
आइए कुछ और फॉर्मूला बता दें, दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है दोस्तों? दीप्त फ्रिंज की स्थिति एक्स एन बराबर क्या होगी दोस्तों? एक्स एन बराबर एन डी लैम्ब्डा बटे स्मॉल डी। ठीक दोस्तों, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगी? अदीप्त फ्रिंज की स्थिति एक कम कर देंगे बेटा, बताया था ना हमने, एन से एक घटा देंगे, हाफ घटा देंगे, एन से आधा घटा देंगे। ठीक दोस्तों, नोट कर लो फॉर्मूला। चलिए दोस्तों कुछ आगे सीखते हैं न्यूमेरिकल, इतने फॉर्मूले आप याद करिएगा और एक दो फॉर्मूले अभी बचे कुछ होंगे तो सवाल में हम बता देंगे। पूरे सवाल देखिएगा तभी समझ में आएगा, स्किप वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक दोस्तों, आप बहुत ध्यान से कॉपी पेन कलम लेके जो भी सब कुछ है लेके बैठ जाइए, तब हम सवाल बताने चल रहे हैं। आइए देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक ही आवृत्ति कि ए की दो तरंगे बिंदु एक मतलब किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कि तरंगों में कितना कलांतर हो यदि इनका परिणाम दिया है। चलिए मेरा पहला नंबर सवाल इस लेसन का क्या कह रहा है। चलिए इसमें दिया पहले नंबर में सबके बीच का कलांतर निकालना है। यदि r बराबर 2a हो, पहला नंबर सवाल। दूसरा, यदि r बराबर √2a हो। यदि तीसरे नंबर में कह रहा है यदि r बराबर a हो। ठीक दोस्तों, बहुत ध्यान देखिएगा। चौथा नंबर सवाल, यदि r बराबर 0 हो, जीरो हो, तो इस कंडीशन में आपसे फाई का मान पूछ रहा है। क्या है? कलांतर होता है बेटा, इसे फेस कलांतर जिसे हम फेज बोलते हैं। ठीक दोस्तों, निकालना है और इसमें भी फाई निकालना है दोस्तों, इसमें भी फाई निकालना है और इसमें भी फाई निकालना है। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला क्या बताया था। आर बराबर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, ये फार्मूला था। ये क्या सूत्र है दोस्तों? अच्छा आप लोग ये बताइए, दोनों तरंग एक ही आवृत्ति और एक ही आयाम, तो इसका मतलब दोनों तरंगों का आयाम सेम होगा, एक जैसे होंगे। तो r का मान कितना दिया है? 2a, और उनकी a1 का काम भी a करेगा, a2 का काम भी एक होगा, एक ही आयाम है तो सेम आयाम हो जाएंगे 2a1, a1 भी a है, a2 भी a, cos phi। क्वेश्चन में कह रहा है एक ही आयाम, इसका मतलब सब कुछ एक है, एक जैसा है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर? 2a स्क्वायर 2a cos phi, दो तरफ वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर दो सर जी, लो करो वर्ग। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो 4a स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4a, अब इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर हो चुका है इसका, रूट गायब कर दिए सर, cos phi। क्या कॉमन है? 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन कर लो दोस्तों, 1 प्लस cos phi, a स्क्वायर से a स्क्वायर, दो एक कम दो दूनी 4, 2 बराबर 1 प्लस cos phi। भाई दो एक कम दो दूनी 4, दो ही तो बचेगा, ये एक एक का गुणा कर दिया, इसको इधर भेजो 2 माइनस 1 बराबर cos phi। ठीक दोस्तों, तो बताइए cos phi बराबर क्या आएगा? 1, 1 किसका मान होता है? कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान 1, टूट गया, फाइव बराबर 0, पहले का आंसर आ गया कॉस कितना 0। समझ गए दोस्तों, आइए दूसरे में लिखे। अब दोबारा क्या करें? तो अगला सवाल, सवाल नंबर पहला समझ में आ गया, चलिए दूसरा हम क्या करेंगे, ये आर की जगह ये रखेंगे बेटा, जहाँ आर है वहाँ क्या रखेंगे दूसरे में? रूट टू, आर की जगह रूट टू ए, अब रूट टू का स्क्वायर करेंगे, आपको पता है रूट टू का 2 हो जाएगा, एक का ए स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है
दो से दो कट जाएगा, बोलिए बच्चों, दो से दो कट जाएगा तो क्या वन बराबर वन प्लस कॉस फाई आएगा। इसको इधर लाएंगे, वन माइनस वन बराबर कॉस फाई, आपको बताया कॉस फाई बराबर वन आएगा दोस्तों, क्या आएगा वन आएगा, सॉरी सॉरी जीरो आएगा दोस्तों, कितना आएगा जीरो। अब कॉस जीरो किसका मान होता है, कॉस जीरो कॉस नाइन्टी का मान होता है, नाइन्टी बोले तो पाई बाई सी, पाई बाई टू, ये नाइन्टी लिख दो सर, पाई में लिख रहे हैं आप भी, ये तो जानते हैं बेटा। दूसरे नंबर का भी आंसर आ गया है, ठीक दोस्तों। आइए तीसरे नंबर का आंसर, तीसरे में आर की जगह पर ए दे दिया दोस्तों, आर की जगह पर ए दिया, केवल ए स्क्वायर कर दो, ए दिया है, क्या दिया दोस्तों, ए स्क्वायर, ए से कैंट पूरा सेम है, जहाँ ए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ऐसे आएगा। अब यहाँ जीरो बचेगा, वन बचेगा बेटा, क्या बचेगा वन, बताइए कैसे, यहाँ दो बचेगा, दो बटन चला जाएगा, ये दो बटन चला जाएगा, दो बटन चला जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, एक बटे दो माइनस वन कॉस फाई, तो कॉस फाई बराबर, इनको एलसीएम लो, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, नीचे मान लो दो, ठीक बेटा नीचे मान लिया, इसके इसके नीचे वन मान लो, एक एक का में एक एक दो नहीं दो, वन माइनस दो कॉस फाई बराबर माइनस का एक बटे दो आ गया दोस्तों, माइनस का एक बटे दो होता है कॉस 120 का मान, कॉस 120 किसका मान होता है दोस्तों, कॉस 120 का मान होता है थीटा, थीटा कैंसिल, फाई का मान 120 आ गया। चलिए बेटा इसका भी आंसर आ गया, बचा कौन आखिरी वाला। अब आर का मान कितना लेना, नोट कर लीजिए, आर का मान कितना लेना, जीरो जीरो जीरो, स्क्वायर करने से भी आएगा जीरो, पूरी संख्या को हम इधर भाग दे देंगे आएगा जीरो। आइए तीसरा नंबर, इस बार टू ए को हम पूरे क्या कर देंगे दोस्तों, जीरो लेंगे, इसको हम कॉमन कर लेंगे टू ए, या तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर होगा बेटा, एक गुणा करेंगे में स्क्वायर होगा, सॉरी दोस्तों स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर होगा, ठीक है हाँ। तो टू ए स्क्वायर कॉमन, ये तो कॉस फाई, तो टू ए से कट जाएगा, माइनस का वन बचेगा, कॉस 180 का मान माइनस वन होता, कॉस 180 का मान माइनस वन होगा, क्या होगा कॉस 180 मान माइनस का वन होता है, कॉस 180 180 आ गया, नोट कर लो दोस्तों। सवाल नंबर दो क्या कह रहा है, दो तरंगे जिनके आयाम दिया है आपको, ए वन दिया है 3 मिलीमीटर, ए टू दिया है 4 मिलीमीटर, तो आयाम पूछ रहा है, तो इनके परिणामी आयाम आर क्या होता है बेटा, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम कितना दिया है दोस्तों, पहले नंबर में तीन नंबर में ज्ञात करना है, जब फाई का मान जीरो हो तो आर पूछ रहा है, जब आर का मान कितना हो, जब फाई का मान पाई हो तब आर पूछ रहा है, तीसरा नंबर जब आर का मान पाई बाई टू हो, सॉरी पाई का मान पाई बाई थ्री हो तब आर पूछ रहा है, एंड चौथा नंबर सवाल आपको कह रहा है जब पाई बाई टू हो, फाई का मान पाई बाई टू तब आर का मान, बताइए हम क्या करेंगे भाई, एक ही फार्मूला लगाएंगे जो लगाया था, आर बराबर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, आपको बताए आर बराबर ए वन का मान 3 ए टू मान 4 टू ए वन 3 ए टू 4 कॉस फाई, ए का स्क्वायर 9 16 4 3 दूनी 6 चौको 24, ठीक दोस्तों कितना 0 है,
कॉस जीरो का मान वन हो गया। 16 9 25 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और ये 49 आ गया आंसर 7 mm। ठीक दोस्तों, आइए अगला सवाल। अगले सवाल में हम कॉस फाई का मान केवल बदल देंगे, कितना आएगा कॉस पाई। आपको पता है 3 का स्क्वायर। दूसरा नंबर सवाल, पहला तो हो गया, आइए दूसरे में। अब सेकंड नंबर सवाल में 3 का 9 4 का 16 12 6 दूनी 12 12 चौक 4 3 12 दूनी 24। कॉस पाई का मान माइनस वन होता है बेटा। हमने बताया था आपको कॉस अगर विषम हो, विषम ऑड क्या हो, विषम, जैसे कॉस पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे आता रहेगा डॉटर, सबका मान माइनस वन होगा। कॉस पाई सम पाई क्या हो, सम इवन हो, सो 4 पाई 6 पाई सब में वन। आइए दोस्तों 16 9 25 माइनस 24 25 एक आएगा, एक का वर्गमूल एक, नोट कर लो दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा इसी का, तीसरा वाला पार्ट। तीसरे में केवल फाइव मान चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कॉस पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री 180 में 3 का भाग दोगे 60 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 60। और कॉस 60 का मान 1/2, भैया कॉस पाई बाई थ्री का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पर माइनस की जगह हम 1/2 लिखेंगे, कॉस 60 का मान 1/2 भाग देंगे तो बाहर आएगा, इधर क्या आएगा दोस्तों 16 9 25 उसका 24 में 2 का भाग देंगे 12, आपको बताया 12 35 37 आएगा, यार आंसर दोस्तों। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। अब चौथे नंबर में क्या कह रहा है, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री की जगह पाई बाई टू 90, कॉस 90 वैल्यू तो दोस्तों 0 होता है, 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 16 9 25 25 का वर्गमूल 5, नोट कर लीजिए दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम, चलिए इसमें A1 जो दी ए स्मॉल ए जो दिया ए दिया है, A2 भी ए दिया है, जिनके बीच का कलांतर फाई का मान दिया 270, तो इसमें परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात पूछ रहा है। फार्मूला बताइए बेटा, आर बराबर परिणामी आयाम का सर फार्मूला यही होता है क्या बेटा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 A1 A2 cos phi, आर बराबर A1 A स्क्वायर A2 भी A स्क्वायर 2 A A cos phi, ना 2 A 2 A स्क्वायर 2 A cos phi मान रख दो सर जी, कितना होता 270, cos 270 का मान 180 प्लस 90, ठीक है 270 आएगा। और 90 cos 90 मान 0 होता तो cos 270 का मान 0 होगा बेटा, कितना आएगा, ये cos 90 का मान 0 होता ना, कितना आएगा 0, तो 0 हो जाएगा पूरा, रूट के अंदर क्या आएगा 2a स्क्वायर, अब ये आएगा √2a, ये रूट के बाहर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा सवाल, चलिए आइए सवाल नंबर चौथा देखते हैं हम। सवाल नंबर चौथा हमारे स्क्रीन पर रहा, पढ़िए। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा, पढ़िए दोस्तों। समान आवृत्ति वाली दो तरंगे जिनके आयामों का अनुपात, मतलब A1 मान ले रहे 4A, A2 मान ले रहे हैं 9A, आयामों का अनुपात तो अलग अलग कर लिया,
ठीक दोस्तों, अगर अनुपात दिया रहे 4:9 तो इनको अलग कर लेंगे, ए लगा देंगे पहला, 4:9 तो इनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग का अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा बेटा, तीव्रता क्या होती, आई तीव्रता होती, क्या दोस्ती तीव्रता, तीव्रता चलिए कितना है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। आइए सबसे पहले अधिकतम तीव्रता का फॉर्मूला लगाते हैं, हमने आपको बताया था आई मैक्स बराबर ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, बटे कर दीजिए आई मीन, आई मीन का बताया था ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, बताया गया था दोस्तों आपको ये फार्मूला, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना तो भाग दे दो दोस्तों, आई मैक्स बटे आई मीन ए वन 4a, ए टू 9a, ए वन 4a, ए टू 9, सर इसका स्क्वायर 9 4 13, ए का होल स्क्वायर बच्चों घटाएंगे माइनस 5, आपको बता दोस्तों 13 का स्क्वायर 169, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 169 बटे अनुपात 5 आएगा आंसर, नोट कर लो दोस्तों। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो तरंगों के आयाम का अनुपात, इनको अलग अलग करो बेटा, पहले का आयाम 4 दिया 4:3 तो 4a मान लो, दूसरे का कितना दिया 3a, ये दोनों को व्यतिकरण तो अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, इसमें भी पूछ रहा आई मैक्स अनुपात आई मीन, दोस्तों फार्मूला हमने आपको बताया था याद कर लो, आई मैक्स बटे आई मीन, भाई मैक्स में दोनों को जोड़ दो, ए वन प्लस ए टू स्क्वायर कर दो, क्यों स्क्वायर करते हैं, तीव्रता आयाम के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, इस वजह से स्क्वायर करते हैं हम, घटा दो इनको, चलिए ए वन का मान 4a, 3a का होल स्क्वायर, ए वन 4a माइनस 3a का होल स्क्वायर, आपको बताया 4 3 7 का होल स्क्वायर, घटाइए 1, केवल 1 का होल स्क्वायर, 4 का 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल, 49 बटे 1, 49 अनुपात 1 आंसर आ गया दोस्तों, नोट कर लो। छः नंबर सवाल, समानावर्ती की दो तीव्रताओं का अनुपात इस बात दिया दोस्तों, किसमें तीव्रताओं का अनुपात, आई वन दिया आपको 1, ठीक बेटा इसमें आई लगा देना, 1 दिया है, 1 दिया है इसमें आई लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा आई टू दिया है आपको, आई वन आई टू कितना दिया दोस्तों 9i मान लेना, 1i है ये दोस्तों, दोनों में तो इनका महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात चाहिए, आई मैक्स चाहिए, आई मिन चाहिए, तो फार्मूला हमने ये पढ़ा सर, फार्मूला ये बताया, दे दिया तीव्रता कैसे लगाएंगे हमें, नहीं तो दोस्तों जब इस प्रकार का आ जाए तो आइए इसको ए में बदलते हैं, कैसे आई बताते हैं, तो जो अभी हमने कहा था जो ए वन होता है, मेरी पहले बात समझिए, ए वन पर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई वन होता है, आई का मान यहाँ रखो, आई वन का मान कितना दिया 1i दिया ना बेटा, बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा इसमें रूट, तो प्रोपोर्शनल टू रूट आई वन, वर्गमूल भाई वर्गमूल कर दो, ए वन आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लो, रूट लगा दो इस पर तो ए वन आ जाएगा, यही ना, तो आपके एक काम करिए, इसमें एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, ए वन
प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर बटे रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। रूट आई वन कितना दिया, वन, और रूट आई वन वन, रूट के अंदर वन, रूट के अंदर नाइन, रूट के अंदर वन, रूट के अंदर नाइन। कैसा लगा दोस्तों? अब वन का वर्गमूल वन, थ्री हो जाएगा का होल स्क्वायर, वन का वर्गमूल वन, नौ का वर्गमूल तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर सोलह, दो का स्क्वायर चार, चार से काट दो, चार चौक सोलह, चार एक कम चार, चार अनुपात एक आएगा दोस्तों, नोट कर लो। ठीक रहा, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त, पहले नंबर में तीसरी दीप्त दिया, तीसरी दीप्त तथा तीसरी अदीप्त भी दिया है। दूसरे नंबर में कह रहा तीसरी अदीप्त, ठीक दोस्तों। तो तरंगों के बीच कितना कलांतर और कितना पथांतर, इसमें भी बेटा फाई पूछ रहा कलांतर और पथांतर, डेल्टा एक्स पूछ रहा है भाई, ये कलांतर होता है, ये पथांतर होता है, ऐसे इसमें भी पूछ रहा है फाई एंड डेल्टा एक्स। आइए पहले दीप्त के लिए लगाते हैं, किसके लिए दीप्त, कौन सी दीप्त है, तीसरी, एन बराबर तीन दिया है। बताइए बेटा कलांतर का फार्मूला, कलांतर का सर फार्मूला आपने बताया था, क्या बताया था सर, बोलो बच्चों, टू फाई एन, टू पाई, पाई का मान रहने दो, एन का मान तीन, तीन दूनी सिक्स पाई आ गया दोस्तों, कितना आ गया सिक्स पाई। पथांतर का ऐसे कितना बनाया था, पथांतर का बच्चों डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, लेमडा का मान सर दिया है सवाल में बेटा, लेमडा का मान कितना दिया देखिए, 6000 एनोट दिया है, कितना दिया दोस्तों 6000 एनोट, तो क्या रखेंगे, एन की वैल्यू दिया है तीन, लेमडा की वैल्यू 6000 ये नोट दिया सर, मीटर में निकाल ले रहेंगे तो बेटा पथांतर को 6 × 18 डेल्टा में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है आ गया। ऐसे आइए अदीप्त के लिए निकालते, किसके लिए दोस्तों, अदीप्त के लिए भी एन का मान तीन है, फार्मूला बताइए कलांतर क्या होता दोस्तों, आप बताइए दोस्तों, अभी हमने पहले लिखवाया था 2n-1 इंटू पाई, ये बताया गया था बेटा, चलिए एन का मान कितना है तीन, कितना दोस्तों 2 × 3-1 पाई, इसका मतलब पॉइंट नीचे, बेटा नीचे अगर पॉइंट होगा तो गुणा माना जाएगा, बीचों बीच में होगा तो पॉइंट माना जाएगा, तीन दूनी 6-1 पाई 5 पाई आएगा, क्या आएगा दोस्तों 5 पाई। पथांतर को बताओ, पथांतर के क्या होता है डेल्टा, डेल्टा एक्स बराबर एन माइनस 1/2 पाई, ये तो बताया था, और सॉरी लेमडा, क्या लेमडा, तो एन का मान 3-2 लेमडा, तो 3×10 गुणा होगा, 3×6-1/2 लेमडा, घटाओ 6×1 जाएगा, 6×1 सर 5 बचेगा, अच्छा अच्छा लेमडा का मान नहीं रख रहे हैं सर आप, हल किए जा रहे हैं, लेमडा का मान बता रहे हैं, रख दो, रखो बेटा 5/2 लेमडा का मान, तो एक काम करो सर, क्या बेटा 2 से पहले काट दो, 2 × 3 = 6, 3 0 लगा दो, ठीक बेटा 5 × 3 = 15, 3 0 लगा दो सर आ गया, नोट कर लो बेटा पता अंतर। आठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं आठवां नंबर सवाल। 2 mm की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर, 2 mm की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, 2 mm, बहुत ध्यान देखना mm, स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm पतली समांतर, तरंग दैर्ध्य
तरंगदार किसमें दिया, ए 6000 ए नॉट। आपतित तो स्लेटों से 30 सेंटीमीटर दूरी पर्दा, स्लेटों से पर्दे की बीच की दूरी हमने बताई थी कितना दिया 30 सेंटीमीटर। फिर समझ लो, दो स्लेटों के बीच की दूरी कितना दोस्तों, 2 mm, और तरंग दर इतना है और स्लेट और पर्दे के बीच की दूरी इतनी। दोस्तों हम आपको एक बार बता दें, अभी इसके हम प्रूविंग बताएंगे तो उसमें बताया जाएगा स्लेट क्या होते हैं और स्रोत बिंदु से और पर्दे के बीच की दूरी क्या है। ये भी यहाँ आप याद कर लीजिए, ये क्या है स्लेट और पर्दे के बीच की दूरी और ये क्या है स्लेटों के बीच की दूरी। ठीक दोस्तों, चलिए आइए क्या निकालना है इसमें, फ्रिंज चौड़ाई क्या निकालना दोस्तों, फ्रिंज चौड़ाई क्या बताएगा इसका फार्मूला, डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, डी का मान 30। एक काम करिए, सबको मीटर बदलो, एमएम को मीटर बदलने के लिए 10^-3 से गुणा करेंगे, इसको मीटर बदलने के लिए इसका ए नॉट का मान रख देंगे। अच्छा सर, इसको मीटर बदलने के लिए 10^-2 से गुणा कर देंगे। बहुत बच्चे कहते सर एम की वैल्यू -3 होता है मिली, इसका नाम है मिली, और ए नॉट की वैल्यू 10^-10 मीटर में, सी की वैल्यू 10^-2 सेंटीमीटर सेमी, ये मान आप याद रखिएगा, इनको बदलने के लिए यूज करेंगे हम। चलिए बच्चों, डी का मान 30^-2, लेमडा का मान 6-10 बटे डी का मान 2^-3। एक काम करें दोस्तों, आइए सभी संख्या वाले एक तरफ करते हैं, पहले 0, 3 लिख लीजिए, 6 लिख दीजिए और बटे में 2 लिख दीजिए। ठीक, अभी कितने 1 0 ये गिनिए, 1 0 ये, 3 0 ये, कितने 4 0 हो गए प्लस के, और माइनस माइनस वाला एक किनारे कर लीजिए, -10, -2, -12 हो गया बटे, ये नीचे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएंगे, 2 + 2 = 6, 3 × 3 लिख दीजिए, प्लस प्लस वाला जोड़िए पहले, 4 और 3 = 7, माइनस वाला रहने दो, इनका गुणा करो 3 × 3 = 12, सॉल्व कर दो, 12 में से 7 जाएगा दोस्तों, -5 क्यों दोस्तों, आ गया फिर चौड़ाई आ गया मीटर में, किसमें मीटर में। बहुत अच्छे, कैसे मंसन में मिलीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर में तो क्या करेंगे, पहले 1000 से गुणा कर देंगे, मिलीमीटर में बदल जाएगा, 1000 से गुणा करो मिलीमीटर, क्यों बेटा 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, समझिए, बदलिए 1000 से गुणा कर दिया, अभी एमएम में बदल गया, किसमें मिलीमीटर, तो 1000 से गुणा करेंगे 10^-2 आएगा, 3 0 निकल जाएगा, सॉल्व करेंगे 10^-3 और -5 घटने पर -2 आएगा, इसको नीचे लाएंगे 9/100 लिख सकते हैं और भाग देंगे 0.09 मिलीमीटर आएगा दोस्तों। ए भी आंसर सही है, ए भी सही, नोट कर लीजिए। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, क्या कह रहा है पढ़िए जरा, दो स्लेटों के बीच की दूरी, सर स्लेटों के बीच की दूरी आपने स्मॉल टी बताई थी, हाँ मान लो मिलीमीटर, लंबवत आपतित होती 3 मीटर दूरी पर पर्दा, पर्दे की दूरी 3 मीटर, तो फ्रिंज चौड़ाई दिया है सर, इस बार नोट कर लो बेटा 4.0 ना नोट करें, ना नोट करो बेटा, 0 से क्या मतलब, छोड़ो उसको, मिलीमीटर। ठीक दोस्तों, तरंग दैर्ध्य याद करना है सर, आइए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला बताइए, फ्रिंज चौड़ाई w = d λ/d बताया गया था, W का मान मीटर में, मतलब पहले इसको मीटर में 0.5 × 10^-3 मीटर, इसको मीटर मतलब बेटा 4 × 10^-3 मीटर, 10^3 से गुणा कर दिया करो माइनस के, चलिए 4 × 10^-3, d का मान 3, लिमडा का मान निकालना है, स्मॉल d का मान दिया है 0.5 × 10^-3, बेटा इसको इधर भेजेंगे हम तो 4 × 0.5 × 10^3
लिख दो अभी सब सॉल्व करेंगे। तो बेटा काम करो, चार तिहाई पाँच चौक बीस, पाँच चौक बीस, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दे, गुणा दस की पावर माइनस छः बराबर थ्री लेमडा। इसको नीचे ले जाओ, लेमडा बराबर दो बटे तीन, दो बटे तीन गुणे दस की पावर माइनस सिक्स। क्यों बेटा, दो बटे तीन गुणे दस की पावर माइनस सिक्स, इसका भाग दो। तो एक एक काम करो, इसको मीटर में यहीं भी छोड़ दो, आंसर सही। इसका भाग देना पड़ेगा, पहली बात दो में तीन का भाग दो, पॉइंट बढ़ाया ये बढ़ाया, तीन छः अट्ठारह, सिक्स 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 आता रहेगा, कितनी बार जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स। रिपीट करो तो एक बढ़ा दिया करो, रुक जाएगा। अगर जितना रिपीट कर रहा है एक अगर इंक्रीज कर देंगे तो आगे रिपीट करना रुक जाएगा। पॉइंट आएंगे चार, चार क्यों लिया, चार पॉइंट आएंगे, चार जीरो उड़ाएंगे, एक दो तीन चार, चार इसलिए बढ़ा दिया ताकि वो दस हो जाए। बेटा हम पाँच होता तो पाँच तक इसको लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दस की पावर छः, अब ये चारों जीरो ऊपर जाके माइनस का चार हो जाएगा। आपको बताया सिक्स 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 सेवन गुणे दस की पावर माइनस का दस, इसको ए नॉट लिख सकते बेटा, मीटर में है ना पूरे, इसको क्या लिख सकते ए नॉट, सिक्स 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 सेवन ए नॉट, नोट कर लो बेटा। आ गया आंसर, सवाल नंबर दस क्या कह रहा है पढ़िए आप। इसके दो स्लेटों के बीच की दूरी दिया है आपको, स्मॉल डी दिया है 0.2 mm। अब इनमें एक मीटर दूरी पर स्थित पर्दा, पर्दे पर एक मीटर दूरी स्थित पर्दे पर तीन मिलीमीटर की फ्रिंज चौड़ी, फ्रिंज चौड़ाई तीन मिलीमीटर, तो गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए क्या क्या, तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश आ रही है उसकी तरंग दैर्ध्य, दूसरे नंबर में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त की दूरी। अच्छा बेटा दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय फ्रिंज से, बेटा केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय अदीप्त के बीच की दूरी, इसका मतलब एक्स एन जो एन है ये ज्ञात करना तृतीय के लिए, मतलब एन की जगह तीन होना चाहिए, यह ज्ञात करना है, लेकिन अदीप्त के लिए, किसके लिए, अदीप्त के लिए एक्स एन ज्ञात करना है, एक्स थ्री ज्ञात करना। आइए चलिए पहले नंबर पे ज्ञात करते हैं लेमडा। सबसे पहला क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई सबको मीटर में बदलो, पहली बात दो गुणे दस की पावर माइनस तीन मीटर, ये तो मीटर में है नहीं बदलना पड़ेगा, इसको बदल दो। चलिए फ्रिंज चौड़ाई W बराबर d लेमडा बटे स्मॉल d। दोस्तों लेमडा का मान चाहिए तो आप पहले लेमडा का मान निकाले, इसको इधर भेज देंगे, इसको नीचे लगा देंगे, ये इधर जाएगा W इंटू डी, कैपिटल D नीचे आ जाएगा बराबर लेमडा। अब लेमडा बराबर W इंटू डी बटे डी। अब मान रखो बेटा, दोस्तों मान रखो इनका, बताइए मान क्या आएगा इनका, W का मान तीन गुणे दस की पावर माइनस तीन, स्मॉल d का मान 0.2 गुणे दस की पावर माइनस तीन बटे कैपिटल D का मान वन, तीन दूनी छः, दस की पावर तीन तीन छः, भाई तीन तीन जुड़ जाएगा, तीन दूनी छः वन। अब एक काम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, मीटर में आ गया, बहुत बच्चे कह रहे सर इसको ए नॉट में बदलिए, आइए ए नॉट में बदलना सिखाएं, बहुत ही आसान तरीके है आपको। लेमडा बराबर 0.6, 10 की पावर माइनस 6 है ही है, तो चार इसमें चार, 10 की पावर माइनस 4 से गुणा कर दो, 10 की पावर माइनस 4 से भाग कर दो, गुणा भाग किया हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 0.6 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 6 4 10 हो जाएगा मीटर में। भाई अब क्या करेंगे, इसको 0.6 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे चार बार, इसको चार बार, इसको 10 की पावर माइनस 10 रहने दो, पॉइंट आओ धीरे से एक जीरो बढ़ा दो, धीरे से एक जीरो काट दो, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, छः, तीन जीरो है, तीन जीरो लगा दो, अब इंटू 10 की पावर इसको क्या लिखते हैं सर, इसको ए नॉट लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं ए नॉट, आ गया आंसर, नोट कर लो आंसर, ये भी सही था, लेकिन बच्चों को मीटर में पसंद कहाँ है, कहते हैं सर कहीं भी देखते हैं ए नॉट इलेक्ट्रॉन में तरंग दर दिया होता है, तो आप निकालिए उसमें, निकाल दिया बेटा। चलिए क्या बताई थी, एक्स एन बराबर एन माइनस एक बटे दो
इंटू लेमडा बटे डी, यही बताई थी। तो एक काम करिए, एन का मान तीन दिया, तीसरे के लिए चाहिए ना, एन बटे दो इंटू डी भी मानी थी हमने। चलिए इसको हम डब्लू लिख सकते हैं बेटा, डब्लू पूरे को डब्लू लिख सकते हैं ना भाई। डब्लू बराबर क्या होता है, डी लेमडा बटे स्मॉल डी। इस पूरे को हम डब्लू लिख ही सकते हैं, और डब्लू मान आपको दिया था। इसको एलसीएम लो, तीन दूनी छः माइनस वन इंटू दो, डब्लू मान कितना दिया था दोस्तों सवाल में, तीन गुणे दस की पावर माइनस तीन से अच्छा पाँच बटे दो गुणे दस की, ये तीन गुणे दस की पावर माइनस तीन आएगा, पानती आई पंद्रह बटे दो गुणे दस की पावर माइनस तीन, भाग दो पंद्रह में दो का भाग देंगे, सात दशमलव पाँच गुणे दस की पावर माइनस तीन मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी के सवाल पार्ट टू में हम बताएंगे दोस्तों। चलिए धन्यवाद, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।